अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द सेवी स्कूल सिटी कैंपस लाला मुसा। टुडे वी विल सॉल्व द वर्क बुक पेजेस ऑफ यूनिट नंबर 2, द रैंसम ऑफ रेड चीफ। सो ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 12। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंटू सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। आपने जो नीचे आपको सेंटेंसेस की एक लिस्ट दी गई है, इसमें से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को आपने सेपरेट करना है, ब्रेक करना है। राइट द सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। और नीचे आपको इस क्वेश्चन के नीचे ये आपको स्पेस दी गई है, जिसमें एक कॉलम आपको सब्जेक्ट्स के लिए दिया गया है और एक कॉलम आपको प्रीडिकेट के लिए दिया गया है। आपने हर सेंटेंस के पार्ट्स को ब्रेक करना है और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉलम में लिखना है और प्रीडिकेट को प्रीडिकेट के कॉलम में लिखना है। अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स होते क्या हैं? सब्जेक्ट काम करने वाला। हर सेंटेंस में आप कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं, सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कोई कंप्लीट मीनिंग आपको दिया जाता है, कोई बात आपको कंप्लीट समझाई जाती है, तो जो उसमें एक पर्सन काम कर रहा होता है, काम होता है और किस पे वो काम कर रहे हैं, ये तीन चीजें आपके पास होती है। मीन्स के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। तो इन सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट को सेपरेट करना है। सबसे पहले हम उनको अंडरलाइन करेंगे जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो इनमें पर्सन काम करने वाले हैं, हमने उनको अंडरलाइन करना है, वो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे। और जो बाकी पार्ट है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, वो आपका प्रीडिकेट कहलाएगा। सो लुक एट योर फर्स्ट सेंटेंस, मोनिका शूक हर हेड। मोनिका ने अपना सर हिलाया। तो इसमें काम करने वाली कौन है? मोनिका। तो ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। और जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है, शूक हर हेड, ये क्या चीज है? प्रिडिकेट। तो आपने क्या करना है, नीचे कॉलम में, सब्जेक्ट के कॉलम में आपने सब्जेक्ट को लिखना है और प्रिडिकेट के कॉलम में जो इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट है, जो कि प्रिडिकेट कहलाएगा, उसको लिख देना है। मैं आपको इन सेंटेंसेस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अंडरलाइन करके दूंगी। आपने इन अंडरलाइन को सब्जेक्ट के कॉलम में लिखना है और बाकी जो अंडरलाइन नहीं होंगे वो प्रिडिकेट होंगे, उनको प्रिडिकेट के कॉलम में लिख लेना है। सेंटेंस बी इज, माई हाउस इज टू स्मॉल। मेरा घर बहुत छोटा है। तो यहाँ पे माई हाउस इज सब्जेक्ट। छोटा क्या चीज है? माई हाउस। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। ही नोडेड हिज हेड एंड लेफ्ट द कॉटेज। उसने अपना सर हिलाया और कॉटेज झोंपड़े से निकल गया। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? ही। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ईवा गे साइलेंटली एट द फायर। ईवा, ईवा किसी पर्सन का नेम है। तो ईवा जो है उसने आग को खामोशी से घूरा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ईवा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट है। द गिगलिंग स्टॉप अब्रप्टली। गिगलिंग क्या होती है? जब गुदगुदी से आपको हंसने की आवाज आती है, खिलखिलाने की जो आवाज होती है वो गिगलिंग कहलाती है। तो वो अचानक रुक गई। तो क्या चीज रुकी थी? गिगलिंग। तो ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो स्टॉप अब्रप्टली आपका प्रेडिकेट है। गिगलिंग इज सब्जेक्ट। वेयर एज आर दे टू प्ले। वो इसके अलावा और कहाँ खेलने गए? तो इसमें किन की बात करिए? दे। तो दे क्या चीज है? आपकी सब्जेक्ट। और बाकी जो सेंटेंस है, वेयर एल्स आर टू प्ले, ये क्या चीज है? प्रिडिकेट। फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस। कुछ देर के लिए हम खामोशी में बैठे। तो इसमें वी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी जो सेंटेंस है, फॉर अ वाइल सैट इन साइलेंस, ये आपके पास प्रिडिकेट है। कैन यू टेल मी। टेल यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। और इसके अलावा बाकी सेंटेंस क्या है? कैन टेल मी, ये आपके पास प्रिडिकेट है। कम आउट ऑफ द किचन। किचन से बाहर आओ। अब किसको कह रहे हैं वो तो पता ही नहीं। अब जो सामने पर्सन होगा, मे बी वो वही हो। तो वैसे तो इस सेंटेंस में हमारे पास प्रिडिकेट नहीं है, लेकिन हम इमेजिन करें कि वो सामने वाले पर्सन को कह रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो यू है। ठीक है, सामने वाले पर्सन को वो नॉमिनेट कर होगा। डू एग्जैक्टली एज आई से। बिल्कुल वैसा ही कहो, जैसा, ऐसा करो जैसा मैं कहता हूँ। तो इसमें आपके पास आई जो है वो सब्जेक्ट है, और बाकी जो सेंटेंस है, डू एग्जैक्टली एज से, ये आपके पास प्रिडिकेट है। नाउ मूव टू पेज नंबर 14। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 3, री राइट द सेंटेंसेज बिलो। आपने नीचे दिए गए सेंटेंसेज को दोबारा से लिखना है इन द प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। कुछ वर्ड जो है वो आपको इटैलिसाइज दिए गए हैं। इटैलिसाइज मीन के थोड़े तिरछे दिए गए हैं। आपने उनकी जगह पे कुछ वर्ब्स एड करने हैं। यूज द वर्ब रन इन इट्स इडियोमेटिक सेंस। कुछ ये आपको वर्ब दिए गए हैं, इडियोमेटिक सेंस में दिए गए हैं, रन के साथ। आपने इनको प्लेस करना है इटैलिसाइज वर्ड्स में। मीन्स के आपके पास ये फर्स्ट सेंटेंस है, वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पिक्चर। यहाँ पे आपके पास इटैलिसाइज वर्ड क्या है? फाइंड।
जो कि थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा है. आपने इसके लिए पॉसिबल जो सेनोनिम वर्ड है वो इन इडियोमेटिक फ्रेजेस में से लेना है और इसकी जगह प्लेस करके रीराइट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है. वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पिक्चर, तुम्हें ये पुरानी तस्वीर कहाँ मिली. तो यहाँ पे वर्ड हमारे पास फाइंड आ रहा है, तो फाइंड से रिलेटेड हमारे पास क्या वर्ड है यहाँ पे, रन अक्रॉस, मीन के सामना हुआ. तो मिलना या सामना हुआ एक ही चीज हुई, तो हम क्या कैसे सेंटेंस को रीराइट करेंगे, वेयर डिड यू रन अक्रॉस द ओल्ड पिक्चर. नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट बी एंग्री, नाराज मत हो. यू शुड नेवर लेट योर एंगर कंट्रोल यू, तुम्हें कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं चाहिए. डोंट बी, यू शुड नेवर, सॉरी मीन्स कि आपको इसमें अपने गुस्से को कभी भी खुद पे काबू पाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. मीन्स कि आपका गुस्सा आपको कंट्रोल ना कर सके. डोंट बी एंग्री, यहाँ पे आपके पास इटैलिसाइज वर्ड है कंट्रोल, काबू पाना. डोंट बी एंग्री, नाराज मत हो. यू शुड नेवर लेट योर एंगर रन अवे विद यू, रन अवे मीन्स कि तुम्हारे साथ ना रहे. तो ये वर्ड मैंने कंट्रोल की जगह पे यूज किया. द ओल्ड मैन वॉज ऑलमोस्ट नॉक डाउन बाय अ लॉरी, बूढ़ा आदमी जो था वो एक लॉरी के साथ टकरा के नीचे गिर गया. द ओल्ड मैन वॉज ऑलमोस्ट नॉट, के लिए मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया रन डाउन, मतलब कि तेजी से किसी चीज से टकरा के गिरना, तो इसका भी वही मीनिंग है. तो मैंने नॉक की जगह वर्ड यूज कर दिया रन डाउन बाय अ लॉरी. ही इज क्लेवर मैन, वो एक होशियार आदमी है. ही कैन क्विकली प्रोड्यूस अ पोएम इन अ मिनट, वो एक मिनट में एक नज्म जो है वो लिख सकता है, क्विकली प्रोड्यूस लिख सकता है या जारी कर सकता है. ही इज अ क्लेवर मैन, ही कैन रन ऑफ अ पोएम इन अ मिनट. क्विकली प्रोड्यूस भी होता है तेजी से चलाना या तेजी से करना, और रन ऑफ भी होता है तेजी से गुजारना. तो यहाँ पे मैंने क्विकली प्रोड्यूस की जगह मैंने वर्ड यूज किया रन ऑफ. नेक्स्ट सेंटेंस इज द लीज फॉर द हाउस एक्सपायर्स नेक्स्ट वीक, वी हैव टू फाइंड अ न्यू हाउस, के इस मकान की मुद्दत जो है वो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी और हमें अगले हफ्ते एक नया घर तलाश करना है. एक्सपायर्स खत्म होना, तो इसके लिए हमारे पास जो इडियोमेटिक सेंस में जो वर्ड आ रहा है वो है रन आउट. तो मैंने उस सेंटेंस में एक्सपायर की जगह पे रन आउट यूज कर लिया और सेंटेंस हमारा क्या बन गया, द लीज फॉर द हाउस रन आउट नेक्स्ट वीक, वी हैव टू फाइंड अ न्यू हाउस. और लास्ट सेंटेंस इज दिस बुक अमाउंट्स टू लेस देन 100 पेजेस, के इस किताब के तकरीबन 100 से कम पेजेस हैं. मीन्स के इसके पेजेस की तादाद ये है. दिस बुक रन्स टू, के रन्स टू भी होता है जारी होना. इसके इस किताब के जो पेजेस हैं वो 100 से लेस तक जा रहे हैं. Now come to question number 4. Rewrite the following. Use words from the box in place of the italicized word. Consult a dictionary. ये भी आपके पास सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है. इसमें भी आपको सेंटेंसेज में कुछ italicized वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपने इनकी जगह इनके मीनिंग्स जो हैं वो इस बॉक्स में से सॉर्ट आउट करके लिखने हैं. तो द पुलिस फाइनली रैन द एस्केप प्रिजनर डाउन इन साहिवाल, पुलिस ने आखिरकार फरार हुए कैदी को साहिवाल में पकड़ लिया. तो इसमें हमारे पास इटैलिसाइज वर्ड्स है रैन डाउन, मींस के काबू कर लिया. तो इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या होगा, फॉलोड एंड कैप्चर्ड. तो मैंने क्या किया, सेंटेंस में रैन डाउन की जगह पे फॉलोड एंड कैप्चर्ड का वर्ड जो है वो यूज कर दिया. तो पुलिस फाइनली फॉलोड एंड कैप्चर्ड द प्रिजनर इन साहिवाल. इस तरह से आपने सेंटेंस को रीराइट करना है. द एरोप्लेन वॉज 1 माइल अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, एरोप्लेन एयरपोर्ट से 1 मील के फासले पर था. वेन द फ्यूल रेन आउट, जब उसका फ्यूल जो है वो खत्म हो गया, रन आउट खत्म हो गया. तो इसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड होगा, द एरोप्लेन वॉज 1 माइल अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट वेन द फ्यूल वॉज यूज अप, जब वो इस्तेमाल हो गया. तो रेन आउट की जगह हमने क्या वर्ड यूज किया, वॉज यूज अप. ही आस्क्ड हर मदर टू रन हर अप अ ड्रेस फॉर द पार्टी, उसने अपनी मदर से कहा कि वो पार्टी के लिए उसे एक ड्रेस जो है वो तैयार कर दे. तो She asked her mother to sweep quickly a dress for a party. उसने अपनी मदर से कहा कि वो पार्टी के लिए उसे एक नया ड्रेस सी दे दे. रन अप तैयार करना और sweep quickly तेजी से सी दे, तो मतलब तो वही हुआ. तो हमने रन अप की जगह वर्ड क्या यूज किया, sew quickly. The spent trip ran up hill in the most expensive shop in town. तो इसमें जो है उन्होंने कहा है कि spent thrift जो है उसने शहर कस्बे की सबसे जो कीमती जो महंगी जो दुकानें हैं वहां पे बिल जो है वो जमा करवाया, रन अप जमा करवाया. तो इसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया अपने सेंटेंस में, कुमुलेटेड. द स्पेंड थ्रिफ्ट कुमुलेटेड बिल्स इन द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉप इन द टाउन. जहां पे मेरी स्पेस खत्म हो गई थी तो मैंने बाकी जो सेंटेंस है वो नीचे लिख दी है. ही वॉज सो लेजी हिज वाइफ हैड टू रन आफ्टर हिम ऑल डे,
वो इतना सुस्त है कि उसकी बीवी को सारा दिन उसकी खिदमत करनी पड़ती है, रन आफ्टर उसके पीछे रहना पड़ता है, पीछे रहना मतलब कि खिदमत करना पड़ता है करनी